गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के दूरवाजुन गांव के तमाम ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान का पति विनोद राय पिछले एक वर्ष से गांव वालों से मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के पति ने पिछले वर्ष मई में गांव में एक बैठक कर ग्रामीणों को सरकारी राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज को मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे के रूप में ले लिया। इतना ही नहीं, विनोद राय ने ग्रामीणों से चंदे में पैसे भी लिए। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम प्रधान ने जब मंदिर के गुंबद का निर्माण नहीं कराया तो ग्रामीणों को इस ठगी का एहसास हुआ। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत SDM के साथ साथ CM पोर्टल पर की है। इस पूरे मामले को लेकर गांव के कोटेदार का दावा है कि उसने सभी ग्रामीणों को नियम अनुसार राशन उपलब्ध कराया था, जबकि लोग खुद ही गल्ले को चंदे के रूप में दे रहे हों तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, जबकि ग्राम प्रधान का पति ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से नकार रहा है। ग्राम प्रधान की इस करतूत से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लोग ग्राम प्रधान के पति की इस ठगी की शिकायत भी प्रशासन से कर चुके हैं।